नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थोयभद्राणि विधूनोति सुयत्स्यताम् <coughs> नष्टे प्रायेश्व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिम् <coughs> यत्कृपा वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सभी को धन्यवाद प्रणाम श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है वर्तमान में हम सभी स्कंद दो अध्याय दो हृदय में भगवान इस अध्याय के श्लोकों पर श्रवण पठन मनन और आचरण करने के प्रयासरत यहाँ पर इन सत्रों में एकत्र हुए हैं तो यदि हमें स्मरण हो तो संवाद श्री सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के मध्य चल रहा है महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अध्याय एक में स्कंद दो के अध्याय एक में विराट पुरुष के अवधारणा का वर्णन किया था किस प्रकार ब्रह्मांड ये पूरी सृष्टि जो हमने अपने आसपास स्थूल रूप से देख सकते हैं वो कैसे विराट पुरुष के शरीर की जो अवधारणा ऋषियों और आचार्यों ने प्रतिभूत करके प्रस्तुत की है उसमें समाहित है तो ये अध्याय एक का विषय था अध्याय दो में एक स्तर ऊपर जाते हुए हृदय में भगवान को हर क्षण प्रतीक क्षण अपने श्वास श्वास के कार्यों में रत रहते हुए किस प्रकार धारण किया जाए इस विषय पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से हम सभी को ज्ञान दर्शन तत्व दर्शन का परिचय करा रहे हैं कल हमने अध्याय दो के प्रथम सत्र में श्लोक संख्या एक से श्लोक संख्या बारह तक जो श्रवण किए थे श्लोक उनका प्रमुख बिंदु जो सबसे प्रमुख बिंदु था वो ये कि अपने आप को ये समझना कि वास्तव में जीव की और कोई गति नहीं है सिवाय इसके कि उसका ध्यान मन चित्त बुद्धि अहंकार समस्त प्रकार के अनर्थों का शमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए समस्त कार्यों को उनके प्रति समर्पित किया जाए वास्तव में जो कल का अंतिम श्लोक था श्लोक संख्या बारह उसमें शिल प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में प्रस्तुत किया है कि यदि जीव की बुद्धि की जो गति है वो इस स्तर तक अभी नहीं है कि वो अपने आप को समस्त काम वासनाओं से समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर सके तो उसे क्या करना चाहिए उन्होंने लिखा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमारी परंपरा में प्रबुद्ध आचार्य हुए हैं उनकी पंक्तियों में यथा यथाधीश्य विषय लापट्य त्यज्यार ये देती चित्त शुद्धि तारतम्य ध्यान तारतम्य मुक्तम जैसे जैसे बुद्धि के परिष्कार से काम लिप्सा के नशे से जीव मुक्त होता है तब उसे ध्यान आगे बढ़ाना चाहिए तो विराट पुरुष की अवधारणा के माध्यम से स्थूल रूप में जो प्रकृति में समाहित अभिहित है हर तत्व में परमात्मा की उपस्थिति उसको समझते हुए जब हृदय में धारण करने की बात आ रही है तो इसको श्री चक्रवर्ती ठाकुर के इस श्लोक को सरलतम शब्दों में लिखते हुए श्रील प्रपपाद ने कहा है अपने तात्पर्य में कि जो लोग अब भी कामवासना से अनुरक्त होकर फंसे हुए हैं उन्हें वास्तव में भगवान के श्री चरणों के ऊपर के अंगों पर अभी ध्यान ही नहीं करना चाहिए अर्थात श्रीमद् भागवतम के प्रथम दो स्कंधों तक ही अपने आप को पुनः पुनः और पुनः पढ़ते रहना चाहिए और जो नौ स, नौ स्कंधों की यह विषय वस्तु को आत्मसात करके दशम में प्रवेश करने की स्थिति है वहां तक पहुंचने से पहले अपने आप को निश्चित रूप से आत्मसंयमी आत्मसात आत्म तत्व से युक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए तो यह संक्षेप में कल के सत्र का विवरण था पिछला सत्र जो हमारा अध्याय दो स्कंध एक पर स्कंध दो अध्याय दो का प्रथम सत्र था श्लोक संख्या एक से लेकर बारह तक तो आज के सत्र को आरंभ करते हुए जैसा हम प्रत्येक सत्र में करते हैं पहले हम लोग श्लोकों का वाचन करेंगे जिनके पास पुस्तक है उनसे निश्चित रूप से अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तकों को कृपा करके इन सत्रों के समय अवश्य प्रयोग करें श्लोकों का वाचन सबको यथा सामर्थ्य करने का प्रयास करना चाहिए जिनके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है उनके लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ये देव भाषा है संस्कृत भाषा और किसी भी विषय में पारंगत होने का एकमात्र सूत्र है उस पर निरंतर अभ्यास करना किसी भी विषय में पारंगत होने का तो संस्कृत के बारे में यदि हमारे मन में तनिक भी कुछ अपने अपने सामर्थ्य के लिए सीमितता हो कि हमने पढ़ी नहीं है हमने समझी नहीं है हमने सुनी नहीं है हमारे पास मार्गदर्शन नहीं है तो उसकी चिंता ना करते हुए कम से कम ये जो प्रतिदिन 10 से 12 प्रत्येक श्लोक प्रत्येक सत्र में यहाँ प्रशिल प्रोपात की असीम अनुकंपा से पढ़ने सुनने का प्रयास है उसमें इनका वाचन करते रहिए समयांतर पर आप स्वयं अनुभूति करेंगे कि आप संस्कृत में स्वतः ही वाचन में तो निश्चित रूप से आपके अंदर आत्मविश्वास निश्चित रूप से विकसित हो चुका है तो हम लोग आरंभ करते हैं स्कंद दो अध्याय दो श्लोक संख्या तेरह से अगर ये शब्द आपको कठिन लगे तो आप ये देख सकते हैं कि शिल प्रोपात ने बहुत ही सरलतम तरीके से इनको विक्षेद करके शब्दार्थ जहां लिखा हुआ है वहां पर विक्षेद करके हुआ है ये सारे पीडीएफ आपको स्कॉन डिजायर ट्री के बुक्स वाले सेक्शन में फ्री में उपलब्ध है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे वहां से पढ़ भी सकते हैं निधिया अनु ये पादादि यावत्सितं गदाभृत् जितं जितं स्थानमपोह्यधार्येत् परं परं धीर्यथा यथा यावन् जायेत् परावरेस्मिन् विश्वश्वरे दृष्टरिभक्तिग तस्थवीय पुष्य रूप क्रियावस प्रयत स्मरेत स्थिरं सुखं चा यति यदा जिहासूरिमङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासु नियम्या

कुतो नुदेवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्वं न रजतमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवामनन्ति यन्ने नेति नेति त्यादुत्सी श्रक्षावः विश्रीज्जदौरात् मेमनन्य पदं पदे पदे इत्थमुनिस्तु परमी व्यवस्थितो विज्ञान्यग्वीर्यसुरन्धिताशय स्वपार्ष्णिनापिण्यगुदं ततो निलं स्थानेषु षट्शु न नाभ्यां स्थितिं ह्यद्यधिरोप्य तस्मा दुदानगत्यो रसितं नयेन्मुनि ततोनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत् तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत् निरुद्धसप्तायतनोनपेक्ष तित्वा मोहर्तार धमकुंठ दृष्टि निर्भी द्यमुर्द्यान विश्रजेत परमगता यदि प्रयास्यन रिपह्वार मिष्ठम वैयायसानामुत्यद्विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियश्च योगीश्वराणां गतिमाहुरन्त बहिःस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम् न कर्म भीता गतिनुवती विद्या तपो योग समाधि वैश्वा नर याति विहाय सागता गुषु शुश शुषुम नया ब्रह्म पथ विधूतको हरिदस्ता प्रयाति चक्र नृपेशुमार तद विश्वनातिवर्त विष्णु रणीयसा वीर जेनाक नमस्कृतम्रम विदा कल्पायुषो कल्पायुष्भ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे तो ये सुंदर श्लोक है और आप देख सकते हैं कि वेदों की बड़ी बड़ी ऋचाएं लिखने के पश्चात हमारे श्रील व्यास देव जी को अपने गुरु नारद मुनि की जो संस्तुति प्राप्त हुई थी अध्याय तीन चार पांच में स्कंद एक में जब हमने पठन श्रवण किया था कि किस प्रकार व्यासदेव प्रसन्न नहीं थे समस्त वैदिक वांग्मय की रचना करने करवाने और शिष्यों को उसका अधिग्रहण देने के पश्चात भी तब उन्होंने ये सुंदर छंदयुक्त श्रीमद भागवतम जिसे अमल पुराण कहा गया है उसकी रचना की है और आज व्यासदेव जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी उसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं परीक्षित महाराज के माध्यम से हम सभी को तो हम जैसा मैंने कहा था शिलप्रवपाद और जो वरिष्ठ आचार्य हैं इस परंपरा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हमारी बुद्धि की कलुष्ठा समाप्त नहीं हुई है यदि हमें लगता है कि अभी मन में उतना उतना निर्मल भाव नहीं आया है प्राणी मात्र के लिए तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को भगवान के चरण कमलों के ध्यान तक जब भगवान अपना मस्तक भगवान के चरण कमलों में रखने का अर्थ ही होता है कि हम अपना मान अहंकार अपना स्व तत्व जो है वो आपको समर्पित करते हैं और अब मैं आपके द्वारा पहचाना जाऊं जब भी हम किसी को नमस्कार करते हैं वंदन करते हैं तो उसका भाव यही होता है सामने वाले के प्रति सम्मान प्रकट करना तो श्रील प्रभुपात कहते हैं यहाँ पर कि पूरे भागवतम में जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया स्कंद एक से क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए स्कंद दो से क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए स्कंद तीन इस प्रकार से वो बुद्धि की परिष्कृत होने का स्तर है अर्थात कई कई बार बहुत सारे आचार्यों ने यहां तक कह रखा है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर स्वाध्याय करने के लिए स्कंद एक और स्कंद दो ही पढ़ा और सुनने के लिए श्रवण करने के लिए अपने वरिष्ठ आचार्यों से और इनके लिए आप स्वतंत्र हैं आप जो जिस पर गुरु जिस पर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जिस भी श्लोक पर जिस भी स्कंद के श्लोक पर आ, वो वाचन कर रहे हैं उसको सुनने की आपकी पात्रता इसलिए निर्धारित है क्योंकि वो गुरु से आ रही है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या वरिष्ठ आचार्य पर स्वाध्याय की बात अगर स्वयं की तो पुनः पुनः और पुनः भगवान के चरणों में पहले अपना स्थान स्थिर करने के पश्चात ही हमें क्रमिक रूप से उनके अंगों के ऊपरी जो शरीर के जो ऊपरी अंग है उन पर ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पर श्लोक संख्या तेरह में तो अध्याय बारह में वो सूचित करने के बाद सुखदेव गोस्वामी रोक नहीं सके अपने आप को उन्होंने उन्होंने इसको आगे बढ़ाया क्या कहा कसौ एक कुभावे एक 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 पादिया वितम गृत जितम जितम स्थानम पोय धारे परम परम शुद्ध यति धीर यथा यथा ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हस्ते मुखमंडल तक ले जाएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें फिर पिंडलियों पर तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी तो ये जो श्रीमद भागवतम में यहाँ पर हम जो ये सुन रहे हैं ध्यान की संस्तुति के बारे में ये जो विधि बताई जा रही है ये किसी शून्य पर कहीं ऊपर ऐसे भगवान कहा है ऊपर है ऊपर वाला है उस तरीके की बात नहीं की जा रही है ये मन को स्थिर करने की विधि किसी विशेष वस्तु या शून्य या नील आकाश इस तरह की बात नहीं की जा रही है ध्यान तो भगवान पर ही एकाग्र करने की बात की जा रही है उसके बारे में किसी को कहीं किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए चाहे भगवान का विराट रूप हो जो स्थूल रूप की बात हो ये चाहे शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद रूप हो ध्यान भगवान के ऊपर एकाग्र करने की बात की जा रही है चाहे वो विष्णु रूप में जितने भी प्रामाणिक विवरण प्राप्त है मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में जो प्रतिरूप है भगवान के उनमें से किसी पर भी यदि हम ध्यान करने की बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के बताए गए मार्ग पर तो कहा जा रहा है कि उसे क्रमशः पहले अपने मन को चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए फिर भगवान के मुस्कुराते हुए मुख तक हमें आना चाहिए तो, तो यहाँ पर यहाँ पर ये इस विधि को इसलिए कहा गया क्योंकि इससे धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाते हैं जैसे आप जब जब भगवान भगवान का अभिषेक किया जाता है तो भी पहले भगवान के चरण कमलों में हम निवेदित करते हैं तत्पश्चात भगवान के दोनों कंधों से पे, कम, कमर पे पेट पे फिर भगवान के सिर पर हम जब अभिषेक करते हैं तब जो भी वस्तु समर्पित की जाती है जो भी चाहे चाहे शहद हो चाहे गोघृत हो जि, जितनी भी प्रकार के पुष्प हो सब कुछ पहले चरणों पर फिर धीरे धीरे शरीर के एक एक ऊपर व्यंग करते हुए कंधों के पश्चात फिर सिर पर हम उसको निवेदित करते हैं भगवान को तो ये ये जो ये जो विधि बताई गई है इसलिए क्योंकि ये क्या किया जा रहा है हमारे भाव को शुद्ध करने के लिए जीवन में शुद्धता को बढ़ाने के लिए और जितना दिव्य रूप रूप पर भगवान को के जितना भी हम चित्त को आकर्षित करना चाहें यदि चरण कमलों पर आकर्षित नहीं हुआ है चित्त इसीलिए आप देखेंगे जब शिल के बताए गए मार्ग से स्कॉन के सेंटर के किसी भी मंदिर में जब आप राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का श्रृंगार देखेंगे तो वहां सुंदर कलाकृति रहेगी वहां तुलसी समर्पित की हुई होती है तो भक्ति वैष्णव ये सब जो संस्कार युक्त निर्देश दिए गए हैं ये कोई कोरी कल्पना नहीं है ये प्रामाणिक विधि है और यहाँ पर श्रीमद भागवतम में सुखदेव गोस्वामी इसकी पुष्टि कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वास्तव में ध्यान का चरम उद्देश्य क्या है अपनी बुद्धि को परिष्कृत करना और बुद्धि परिष्कृत होगी जब तक कि वो प्रथम चरण को पार ना कर ले वो न्यूनतम योग्यता है और वो क्या है ध्यान को भगवान के चरणों पर एकाग्र करना तत्पश्चात जैसे जैसे ऊपर जाएंगे चाहते जाते भगवान के तक आते हैं तो जीवन में जो स्नेह सिक्त भगवान की मुस्कान है उससे आकर्षण बढ़ता है पर पहले दृढ़ता आनी चाहिए तत्पश्चात आकर्षण आएगा पहले दृढ़ता ही नहीं रहेगी तो फिर आकर्षण में भटकने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है तो इसलिए चरण से भगवान के मुखारविंद की ओर ध्यान आकर्षण करने की यह विधि बताई गई है तत्पश्चात श्लोक संख्या चौदह में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वरेस्म विश्वेश्वरे भक्ति योग तावत् पुरुष पुरुषस्य रूपम्। क्रिया वसाने प्रयतः स्मरेत जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेम भक्ति विकसित न कर ले तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए तो चाहे स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति हो आ, चाहे दिव्य की बात की जा रही हो चाहे भौतिक दोनों ही दृष्टि से परमेश्वर के प्रति जब तक कि प्रेम भक्ति विकसित नहीं हो गई है तब तक भगवान के इस विराट रूप की स्मरण करने की जो आवश्यकता यहाँ पर प्रस्तुत की गई है वो इसलिए कि दृढ़ता इस बात किया जाए जीवन की कि वास्तव में परमेश्वर क्या है समस्त जगतों के सृष्टा है वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान जो जो होता है वो स्वयं को कहता थोड़ी है कि मैं मैं इतना बड़ा धनवान हूँ इतना बड़ा रूपवान हूँ इतना बड़ा सामर्थ्यवान हूँ शक्तिमान हूँ फिर भगवदगीता में भगवान बार बार क्यों कहते हैं भगवान ने दस दशमलव आठ से दस दशमलव ग्यारह में कहते हैं भगवान अहम सर्वस्व प्रभु मैं हूँ मैं हूँ ये मैं हूँ या फिर भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानियर भारत तो मैं आता हूँ इस प्रकार या जो जो भी श्लोक या अध्याय पांच में श्लोक संख्या उनतीस में जाए तो भगवान कहते हैं समस्त भोगों का भोक्ता मैं हूँ समस्त यज्ञों का स्वामी मैं हूँ समस्त प्राणियों का सबसे बड़ा सूहदय हितैषी मैं हूँ तो आचार्य इसका उत्तर देते हैं हैं कि भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि कलयुग में ये जो ब्रांडिंग होती है, अर्थात अब मैं भी भगवान हूँ मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ वो केवल कलयुग में नहीं थी सतयुग में भी थी पर सतयुग में लोगों के पास विवेक बुद्धि क्योंकि धर्म अधिक पावों पर था तो लोगों लो, लो के पास भेद बुद्धि करने की प्रबुद्धता थी अभी कलयुग में नहीं है वो तो कलयुग के लोग निराश्रित होकर इधर उधर भटकते भटकते यहाँ भगवान को वहां भगवान को ना ढूंढे इसके लिए कलयुग आरंभ होने से कुछ वर्ष पहले ही महाभारत के युद्ध में विराट रूप दिखाने के पश्चात अर्जुन को तत्पश्चात पुनः जो दिखाया उसको पुनः केवल मैं नहीं कहा मैं अर्थात भगवान कृष्ण नहीं कहा उन्होंने फिर पुनः अपने प्रतिनिधियों द्वारा इसको सुस्वर विस्तार पूर्वक व्यक्त भी करवाया सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को किया वहां सुने हुए सुदगोस्वामी ने ऋषि व आचार्यों को किया और तब से लेकर अब तक अनेकों आचार्यों द्वारा हजारों लाखों बार इसका पुनः 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 संवाद प्रेषित किया जा रहा है इससे हमारे अंदर दृढ़ता विकसित हो जाए हमें ढूंढना ना पड़े कि कहां से इस बात का प्रमाण लाएं कि मैं ही भगवान हूं ये अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है ये जब भगवान स्वयं कह दे तब ठीक है तो इसलिए यहाँ पर इस बात के लिए पुष्टि के लिए भगवान के लिए, कहते हैं कि मैं ही हूं तो तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है तो प्रामाणिक रूप से और वास्तव में देखा जाए तो पूरे विश्व के इस भौतिक जगत में धरती पर पूरे विश्व के किसी भी अन्य धर्म में स्वयं जिसको भी उस धर्म में पूजित कहा गया उसने स्वयं नहीं कहा है कि मैं भगवान हूं तो वो वो प्रामाणिक अधिकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास है और उन्होंने उसको जब जहां आवश्यकता रही है तब व्यक्त भी किया है दुर्योधन के सामने विराट रूप दिखाते समय जो बंधी हुई जंजीरे थी वो सैनिक ऐसे ही अपने आप ही स्वतः टूट तोड़ के और आगे बढ़ के निकल जाते हैं क्योंकि वहां भगवान का उद्देश्य उनको कोई प्रीचिंग करना उनको कोई उपदेश देना नहीं था क्योंकि दुर्योधन उस भाव में नहीं था अर्जुन उस भाव में थे इसलिए भगवान ने वहां पर व्यक्त किया दुर्योधन उस भाव में नहीं थे तो वहां प्रभु, वहां प्रभु भगवान सिर्फ अपना प्रभाव दिखाकर चले आते हैं और अर्जुन को क्या देते हैं प्रकाश देते हैं प्रभाव रूप और प्रकाश रूप का अंतर हमने समझा था पिछले सत्रों में तो प्रभाव के शब्द से ही हमें समझा प्रभावित करना आसान है प्रकाशित करना कठिन है और प्रकाशित प्रकाशित होने के लिए आपकी पात्रता भी होनी चाहिए कि आप प्रकाशित हो सकते हैं तो अगर हमारी आंखें बंद है तो पूरी दुनिया में कितना भी उजाला हो हमें उससे कोई फर्क नहीं होगा अगर जैसे कहा जाता है कि अगर उल्टा घड़ा रखा है तो कितनी भी बरसात हो उसमें वो कुछ भी जल संचित नहीं हो पाएगा लेकिन जब उल्टे घड़े के आसपास भी मिट्टी है जो वो गीली रहेगी तो आप प्रभावित हो गए कि बारिश हुई पर उस बारिश का आपको लाभ नहीं मिला तो प्रभावित होना आसान है प्रकाशित होना मुश्किल है भगवान श्री कृष्ण पात्रता के अनुसार प्रकाशित करते हैं भगवान ने विराट रूप की विद्वत्ता और महत्ता अर्जुन जैसे भक्तों को जब सुनाई तो वो पूरी तरह के परिष्कृत बुद्धि वाले व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि उसमें हमारी रुचि नहीं है लेकिन यदि भौतिक जगत में जहां, जहां काम, मनोरथ ये, ये सारे शब्द प्रचुरता में प्रत्येक व्यक्तित्व में होते हैं वहां हमें अपने आप को आचार्यों द्वारा निर्देशित जो ज्ञान है जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि प्रबुद्ध जीवों में प्रबुद्धता लाने के लिए वेद शास्त्र सब कुछ उपलब्ध रहेंगे लेकिन तब भी जीव गंभीरता पूर्वक यदि उनको सही स्रोत से नहीं सुन रहा है तो उसके अंदर सदैव दुविधा बनी रहेगी सदैव वो अनेक प्रकार के कष्टों को सहता रहेगा उसके बावजूद भगवत धाम जाने के लिए बहुत उसके अंदर गंभीरता नहीं आती है तो इसलिए चाहे वो निराकार साकार ध्यान बिना ध्यान जिस भी विषय की बात की जा रही है स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को व्यक्त करते हुए या तात्पर्य में कहते हैं कि जब तक आपके अंदर वो प्रेम भक्ति विश्व विकसित ना हो जाए वो दृढ़ता पूर्वक विश्वास और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला प्रयास जब तक जीवन में दृढ़ता पूर्वक ना आ जाए तब तक इस विराट रूप के माध्यम से स्वयं को जो बुद्धि हमें हमें भ्रमित करे, मन हमें भ्रमित करे करे मन उसको पुनः 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 स्मरण कराओ कि नहीं ये विराट रूप है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ये प्रकृति के सारे तत्व इनके भीतर ही समाहित है और इसलिए हम इनसे इतर कुछ भी नहीं है ये समझने का अपने मन में अभ्यास करते रहे तो सभी सभी प्रकार क्योंकि गुरु है सुखदेव गोस्वामी आप देखिए यहाँ पर हम सबको समझना है ये सुखदेव गोस्वामी गुरु है वो जिस प्रकार कक्षा में समस्त विद्यार्थी एक स्तर पर नहीं होते मानसिक बुद्धिमत्ता का जो स्तर है वो सबका एक समान नहीं होता है कुछ को प्रश्न एक बार में समझ में आते हैं, कुछ प्रश्नों में रह जाते हैं, कुछ उत्तर भी प्रस्तुत कर देते हैं है। तो प्रस्तुतिकरण कैसे करें ये एक गुरु जो जो गुरु शब्द धारण कर चुका होता है अपने जीवन में उसके अंदर इस बात की दक्षता आ जाती है तो सुखदेव गोस्वामी वैसे ही गुरु हैं वो यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो समस्त प्राणी मात्र के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं तो भक्त को मई भक्ति पाना ये हमारे जीवन की सर्वोत्कृष्टता है पर यदि वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो जहां पहुंच रहे हैं हम वहां पे हमें क्रमिक विकास किस प्रकार से करें इसके लिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तत्पश्चात श्लोक संख्या पंद्रह में स्थिर सुखम चास्थितो यती यदा काले चदेषी चमनो न सज्जैत प्राणान्यक्सेन मनसाजितासु हे राजन जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा इक, न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से पुनः पुनः मन को वश में करने की जो स्थिति है जो आवश्यकता है उस पर जोर दे रहे हैं भगवत गीता अध्याय पांच श्लोक संख्या चौदह में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः निरत रहता है हर कदम पर हर पग पर हर क्षण पर उनको स्मरण करता है वह आसानी से भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करता है तो इसके लिए उन्हें देशकाल, परिस्थिति उपयुक्त समय ये सब ढूंढने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती वो जब चाहे जैसे चाहे वहां अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं लेकिन जो मिश्रित भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में मिश्रित भक्त किसे कहा गया था मिश्रित भक्त उन्हें कहा गया था जो थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा थोड़ा मेरा भी है भगवान को ही सब समर्पित कर रहे हैं अगर किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आपको लगे ये हाँ हाँ मैं इसका पात्र हूँ या इसकी पात्रता रखता हूँ रखती हूँ इस प्रकार के मिश्रित सकाम कर्म करने वाले व्यक्तियों को उनको शरीर त्याग करने के लिए उपयोग क्षण की अपेक्षा रहती है सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि प्रश्न दो प्रश्न किए गए महाराज परीक्षित द्वारा पहला तो मृत्यु के निकट आए मृत्यु सबके निश्चित है पर जिनकी बहुत निकट आ चुकी है और उनको इसका भान हो चुका है 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 वो किस प्रकार से क्या है क्या चरमोत्कर्ष सिद्धि इस जीवन की ये मानव शरीर प्राप्त करने की सिद्धि क्या है उसके बारे में बताइए ये प्रश्न किया था और जब सुखदेव गोस्वामी ने पूरा परिचय दिया मन को ध्यान को धारणा को स्थिर करो तब महाराज परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया था कि मन को कैसे स्थिर करें तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर हमारे सुखदेव गोस्वामी जी तो उन्होंने यहां पर बताया कि योगी के लिए जिस, जिसका स, त, हर, जिसका हर्ष हर भगवान के लिए लगा हुआ है उसको समय देखकर शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जिस क्षण में जिस शरीर का त्याग करेगा वो क्षण शुभ हो जाता है लेकिन जो सकाम या मिश्रित कर्म में है उनको अभी भी समय की उपयुक्तता के अनुसार आ, शरीर त्याग करने की अपेक्षा बनी रहती है क्योंकि वो अभी भी जो उसका परिणाम प्राप्त होना है उसकी उसको भोगने की इच्छा रखते हैं वस्तुतः हम इसको ऐसे समझ सकते हैं तो सबसे सरल बात यहाँ पर क्या है मन को सहज रखते हुए भगवान के चरण कमलों में सदा सर्वदा लगाकर जीवन में प्रत्येक क्षण जो भगवान ने दिया है उसमें किए जाने वाले कार्यों का संपादन भगवान का निमित्त बनकर ईश्वर में ये आपको समर्पित करता हूँ शास्त्र गुरु और भक्तों के संग में मार्गदर्शन में जो उचित है मैं वही करूंगा वही करूंगी और सदा सर्वदा मैं आपके आपको नाम जब के माध्यम से अपने समीप उपस्थित महसूस करते हुए क्रियाओं को संपादित करूंगी सिर्फ इसी को मन की सहजता कहते हैं यदि हम प्राणी मात्र में भगवान को देख रहे हैं तो हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे बातों का ध्यान रखेंगे पर जो बॉटम लाइन होती है जो मूलभूत निर्दिष्ट सिद्धांत होता है वो ये कि भगवान आप मेरे हो मैं आपके हूँ ये पूरी प्रकृति ये पूरी सृष्टि में कुछ भी आपकी इच्छा के बिना नहीं होगा और यदि मैं आपको हर क्षण स्मरण कर रहा हूं कर रही हूं तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने हुए हैं ऐसा मेरा विश्वास है और इसी को चरितार्थ करते हुए मैं अपने जीवन के सारे कार्यों में प्रयास पूर्वक लगा रहूंगा या लगी रहूंगी इतनी सहजता और इतनी ही सरलता चाहिए जैसे कई बार कई बार लोग गुरु महाराज से प्रश्न करते हैं अपने महाराज क्रोध बहुत आता है शांति कैसे लाएं जीवन में भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है इसको कैसे आ, नापे, मापे, इस प्रकार के प्रश्न तो उसका उत्तर भी आचार्यों ने बहुत ही सरल सा दिया है जिनसे आप ये प्रश्न पूछने जा रहे हैं या पूछ रहे निश्चित रूप से आपके मन में उनके लिए श्रद्धा है बिल्कुल सरल बात आप उनको किसी न किसी रूप में स्वीकारते हैं तभी आप उनसे अपनी प्रगति के बारे में या अपनी कमियों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो आचार्य इसका सबसे सरल उत्तर देते हैं ये कि जिनसे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं अपने जीवन में व्यवहार के समय देखिए कि यदि वो आपके साम, वो आपके जीवन की हर शन में आपके सामने जीवन के तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या आप वैसा व्यवहार करेंगे अथवा नहीं अर्थात तो यदि आप मान के चले कि भगवान आपके पास बगल में ही खड़े हैं तब आपके जीवन में क्रोध का स्तर कितना रहेगा यदि आप मान के चलें कि भगवान आपके हर कार्य को देख रहे हैं तब आपके जीवन में जो किसी के भी साथ आदान प्रदान भाव विनिमय का जो स्तर है वो हमेशा सतर्क तरीके से होगा तो ये सबसे बड़ा मापदंड है एक बहुत सुंदर पंक्ति कही है हमारे आचार्यों ने इसी इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की परंपरा में कि भगवान ये नहीं देखते कि आप उनके साम आप उनमें कि उनके सामने थाली में क्या लाए हैं भगवान ये देखते हैं कि आप क्या नहीं लाए हैं कहने का अर्थ हुआ कि आप कौन-कौन से भाव छोड़कर आ रहे हैं मैंने दिया मैंने बनाया मेरा है ये या आप क्या छोड़ के आ रहे हैं अपनी ईर्ष्या अपना क्रोध अपना घमंड अपनी लालसा काम वासना क्या क्या छोड़ कर आ रहे हैं तो ये सब सुंदर पंक्तियां हैं ये इसलिए हैं क्योंकि हम अपने स्वयं के कार्यों के सबसे बड़े प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं इसलिए कहते हैं या तो आत्मा और परमात्मा ये दो लोग अवश्य जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और सबसे बड़ी पहचान व्यक्ति के भाव की और कर्म की तब होती है जब वो स्वयं को भीड़ में नहीं कहीं अकेला खड़ा रखा है या रखी है और तब कह सके कि ईश्वर मैं अपने किए गए सारे कर्मों को आपको समर्पित करती सकेश्वर तो ये, ये, ये प्रयास हमारे जीवन में होना चाहिए तो यही सरलता है भगवान के चरण कमलों में सदा अपना ध्यान लगाने की और शिल प्रपात कहते हैं कि इस सरलता से क्रमशः सारी इंद्रिया स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है जब हमारे अंदर ये सरलता आती है तो इससे परम सत्य से तदाकार होने का ये मार्ग आचार्यों ने श्रेष्ठ कहा है तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 में मन स्वबुद्धिया अमल नियम्य क्षेत्र जम निन तमात्मी धीरो लबो पशांवित कृत्या तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दे ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है तो विशुद्ध भक्ति के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे विशुद्ध भक्ति के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा तो में विलीन कर दे और इस प्रकार जो पूर्णतया तुष्ट जीव होते हैं तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होते हैं उनके जीवन में कोई भी कार्य भौतिक कार्यकलाप नहीं होते हैं एक बहुत सुंदर पंक्ति कुछ दिन पहले हमारे आचार्यों की शेयर की हो रही थी भक्तों के बीच में जिसमें यही कहा गया था कि जितनी अधिक जीवन में हम विक्षुब्धता अनुभव कर रहे हो उतना अधिक मानकर चलिए कि हमारा भौतिक संसर्ग बढ़ चुका है अन्यथा भक्तों के बारे में सोचने पे भक्तों के अनुसार भक्त जिस प्रकार का जीवन जीते उस प्रकार का आचरण करें यदि हम तुशल प्रभुपात कहते हैं क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया या या पेड़ों ने फल लगाने बंद कर दिए या हम, ये हमारी भौतिक प्रगति की हम कह सकते हैं कि जैसे हर चीज का साइड इफेक्ट होता है वो साइड इफेक्ट है कि हमें रहने खाने सुरक्षा पूर्वक सोने और भक्तिमय आचरण करने के लिए जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है जिसे हम कहते हैं प्रगतिशीलता 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 वास्तव में प्रगतिशीलता भौतिक कार्यों को कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं इस बात की हो रही है इस बात बात की की होती आई है और इसी बात की आगे भी होगी केवल सनातन धर्म हमें यह सिखा सकता है कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें पहले कपड़े हाथ से धुलते थे अब मशीनों से धुलते हैं पहले बर्तन हाथ से धुलते थे अब मशीनों से धुलने लगे हैं पहले व्यक्ति स्वयं अः लगाकर गा आने जाने के मार्ग का उपव्यय वहन करता था और अब अनेकों प्रकार के संसाधन से कर रहा है तो ये प्रश्न नहीं है कि ये प्रगति अच्छी है या खराब है प्रश्न ये कहा जा रहा है कि ये इस प्रकार की जितनी भी प्रगति होगी वो भौतिक स्तर की प्रगति होगी मनुष्य पहले भी सौ प्रतिशत मरते थे मनुष्य अभी भी, भी सौ प्रतिशत मर रहे हैं बहाना प्रारब्ध कुछ भी हो चाहे कोई नए प्रकार की बीमारी होगी चाहे शांति पूर्वक सुख की नींद सोते हुए कोई चला जाए चाहे कोई एक्सीडेंट होगा या फिर किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो जाएगी अकस्मात तरीके से तो आध्यात्मिक प्रगति केवल हमें हमारे सनातन धर्म में मिलती है क्यों क्योंकि यहां पर ऋषियों ने मनीषियों ने आचार्यों ने जीवन के समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा अंश बहुत बड़ा समर्पण किया है जीवन के बाद के जीवन को समझने के लिए अन्यथा अन्य किसी भी मतावलंबियों के पास जाने पर हमें ये प्राप्त होगा कि एक निश्चित सीमा के पास जाने के बाद उनके पास उसके आगे का मार्ग नहीं है यहाँ तो जन्म जन्मांतर के कर्मों की गणना को और प्रारब्ध को किस प्रकार से फलीभूत होता है, होना चाहिए या होता है ये सौ उदाहरण उपस्थित है अर्थात था तो उदाहरण के साथ उपस्थित है विष्णु पितामह सौ वर्ष पहले पाप का जो उनका कोटा था वो इस जन्म में सौ वर्ष लग गए उन्हें इतना प्रभावशाली और गरिमामय व्यक्तित्व तो बन के और फिर अंत में क्या जिस प्रकार वो अधमरा साहब बबूल के पेड़ पर छह महीने तड़प के मरा था उस प्रकार वो वो बाणों का कष्ट कांटों के रूप में वो बाणों का कष्ट हमारे भीष्म पितामह आपको यहाँ पर मिलता है तो महाजन है वो ये नहीं कहा जा रहा है कि उनकी 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 सुगति की कामना तो हर भक्त करेगा विषय यहाँ पर समझने का ये कहा जा रहा है कि ये अपरिपक्वता से परिपक्वता जाने की ओर आध्यात्मिक प्रगति उत्तरोत्तर हमारे जीवन में बढ़े इसका मार्गदर्शन हमें सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में यहाँ पर होगा तो जैसे शिल सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विशुद्ध बुद्धि के द्वारा पहले मन को एकाग्र करो मन के एकाग्र से जीवात्मा में आत्मा में स्वयं को स्थिर करो आत्मा से स्वयं को परमात्मा में विलीन करने का भाव तो इससे आपके जीवन में संतुष्टि की चरम अवस्था पहुंचेगी अन्यथा इच्छाएं पहले भी थी इच्छाएं एक, एक बच्चे के पास भी खिलौने की होती है और फिर दूसरा खिलौना मिलते हैं वो चाहने लगता है फिर तीसरे से वो चाहता है इसी प्रकार एक प्रकार की नौकरी दूसरे प्रकार का व्यवसाय तीसरे स्थान पर रहना चौथे स्थान पर भोगों का सेवन करना और रुचियां बदलती रहती हैं जीवन भी बदलता रहेगा पर अंततः जो हमारे जीवन के बाद हमारे साथ आगे जाएगा वो ईश्वर के प्रति हमने कितना अपने आप को समर्पित किया है वो भाव और जो जीवन रहते हुए इस भाव को धारण कर लेते हैं हम सब ने देख रखा है अनुभव कर रखा है कि उनके जीवन की परम तुष्टि संतुष्टि हमें उनके मुखमंडल पर दिखाई देती है उनके कार्यों में दिखाई देती है तो ये विषय ये विषय दार्शनिक है ये विषय व्यवहारिक है जितनी हमारी बुद्धि इस विषय पर सदती जाएगी हम साधते जाएंगे ज्ञान को के प्रकाश में उसको साथ में रखते हुए उतनी हमारे जीवन में भगवत भक्ति के प्रति अनुरक्ति बढ़ती जाएगी और भ्रामक तुष्टि भ्रमित रूप से अपने आप को तुष्ट करने की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी तो भौतिक लालसाओं से निवृत्त होने के लिए ये जो शिल सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा बताया गया क्रम है इसको जीवन में धारण करने का हमें प्रयास करना है तत्पश्चात श्लोक संख्या सत्रह में नयत्र कालो निमिषां पर प्रभु कुतो नु देवा जगतां य नयत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न प्रधानम् उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए इस अवस्था में न तो सतोगुण रजोगुण या तमोगुण रहते हैं न ही मिथ्या अहंकार भौतिक कारणार्णव अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है

तो जो तीन प्रकार के क्लेश होते हैं आधि दैविक आध्यात्मिक आधि भौतिक उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो देवी देवता आ, आ आनंद भोग रहे हैं उससे भी ऊपर की दिव्यता ऐसे मनुष्यों के जीवन में रहती है और किसी भी प्रकार का मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति उनके आसपास नहीं रह पाती कहने का अर्थ हुआ कि वो इस धराधाम पर रहते हुए भी इस धराधाम पर नहीं रहते शिल प्रोपा सतहत्तर वर्ष की अवस्था में इतने जर्जर शरीर के साथ शरीर छोड़ने की अवस्था में इस बहुत ही जगत से अपना अपनी लीला समेटने के क्रम में बिस्तर पर लेटे हुए आसपास के वास्तव में जो डॉक्टर थे वो आश्चर्य विभोर थे कि उनके उनका शरीर इतना जर्जर जर था कि अगर कहीं इंजेक्शन लगाना हो तो उन्हें देखना पड़ता था कि कहाँ पर लगाएं कहाँ पूरे शरीर में सिर्फ नसें ही नसें इतनी बाकी थी शरीर छूट रहा है और श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं शांत मुखमंडल आभामय मुखमंडल के साथ और वो सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं उस समय तो दिव्यता की अनुभूति ऐसे आचार्यों की हमने कथाएं सुन रखी है जो अपनी पूरी दिनचर्या भक्ति पुजारी सेवा सब करने के पश्चात आकर विश्राम की अवस्था में बैठते हैं और प्रसन्न मुखमंडल के साथ शरीर छोड़ देते हैं तो ये जो दिव्यता है ये आ, किसी काल के भी सीमा के ऊपर है यहाँ पर शुक्रप्रोपात अः विशेष रूप से जो सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा व्यक्त है कि यहाँ तक कि देवी देवता भी काल से नहीं बच सकते विनाशकारी काल से लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर विनाशकारी काल की जो गति है जो महत्ता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता क्यों क्योंकि वो पहले तो सबसे पहले तीनों प्रकार की प्रकृति से ऊपर है सतरजतम से वो उसके पश्चात मिथ्या अहंकार भौतिक कारण और भौतिक प्रकृति इन ऊपर हो जाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अंतर अर्थ ये हुआ कि जैसे कहीं किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी से हमें मिलने जाना है किसी राजनयिक व्यक्ति से मिलने जाना है जो पदासीन हो चाहे वो गृह मंत्री हो शिक्षा मंत्री हो तो कई स्तर के प्रोटोकॉल होते हैं पर यदि वो व्यक्ति से हमारी व्यक्तिगत अः परिचय की स्थिति है, तो वो प्रोटोकॉल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होते। निश्चित रूप से यदि व्यक्ति को पता चले कि हम वहां पहुंच रहे हैं और हमारा वो स्तर है तो वो व्यक्ति हमें रिसीव करने के लिए भी आ सकते है चाहे वो कितने भी बड़े प्रोटोकॉल के अंदर रहते हो तो वैसे ही भगवान और जीव का भक्त वाले जीवों का संबंध है यदि हम सीधे परम स्त्रोत को जानते हैं और उनके साथ अपना संबंध स्थापित करके रखे हैं तो बीच के जितने भी तत्व हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवयव हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं पार्षद हैं निमित्त मात्र संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं और वो भक्त और भगवान की बीच की जो कड़ी होती है क्रमबद्ध प्रोटोकॉल की वो उनके लिए हट जाती है तो सरलता से इतना ही समझना है चाहे वो सूर्य चंद्र इंद्र वायु वरुण जिनकी भी बात की जा रही हो भगवान भग, भगवत गीता में भी स्पष्ट करते हैं कि मैं मैं जब आ, अध्याय 7 में श्लोक संख्या 19 में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ वो व्यक्ति मिलना दुर्लभ है लेकिन वो भगवान का व्यवहार सबके लिए सुलभ है वो योग्यता यदि हमारे अंदर हो तो स महात्मा सुदुर्लभ है लेकिन वो भगवान सर्व को सुलभ है यदि हमारे अंदर उस स्तर की योग्यता आ जाए तत्पश्चात तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परम पदम वैष्णवमाम् ननन्तित यन्नेति नेतित्यत दूसी श्रीक्षव विश्रेज्य दरात्ममनन्य सोहदा हृदुप पदम पदे पदे योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक क्या रखता है जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये एक क्षण के खटवांग महाराज की बात नहीं हो रही है या ये सात दिन की आपकी महाराज परीक्षित बात नहीं हो रही है या ये सात जन्म की और ऐसे अनेक जन्म जन्मांतर योनियों की बात नहीं हो रही है ये उस सरलता सहजता की बात हो रही है जो जीव परमात्मा के साथ स्थापित करता है तो जो भगवान का भगवान का दास बन चुका है वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं आने देता पहली बात अर्थ क्योंकि उसका ध्यान विकेंद्रित नहीं होता दूसरी बात वो ऐसी किसी वस्तु में अपनी आसक्ति नहीं लगाता जिसका संबंध भगवान से नहीं होता इसी भागवतम में हम कई बार ऋषियों से सुन चुके हैं कि कथा सुनाइए यदि वो वो भगवान से संबंधित है शौनक ऋषि ने जब सूद गोस्वामी से कई बार प्रश्न किया अलग अलग विषयों पे तो उन्होंने यही कहा है तो और हमारे गोस्वामियों ने कहा है कि हर वो वस्तु जो भगवान से संबंध स्थापित करती है हमारे जीवन में आवश्यक है जो भगवान से हमें विलक करती है वो हमारे लिए अनावश्यक है ऐसा संगीत ऐसी पुस्तकें ऐसा भोजन ऐसे व्यक्तियों का संसर्ग ऐसी अपने आसपास साधन संसाधन ऐसा समय व्यतीत करना ये सब त्याज्य है यदि इससे हमारे अंदर भगवान के प्रति या भगवान के समीप रहने की या भगवान के कार्यों में सहभागी बनने की रुचि विकसित नहीं होती है तो ये त्याज्य है आज जिस वृंदावन मंदिर को हम लोग देखने जाते हैं वृंदावन धाम को देखने जाते हैं जगन्नाथपुरी मायापुर धाम को देखने के लिए जाते हैं जितने बड़े बड़े मंदिर हमारे राजाओं ने पिछली पिछले जितने भी शासन कालों में बनवाए हैं उन सब में यदि हमें एक एकात्मता दिखे तो वो ये कि उनकी दृष्टि बिल्कुल केंद्रित थी उनको क्या करना है क्या करवाना है जो भगवान से संबंधित है वो सब कुछ ग्राह है अन्यथा सब कुछ त्याज्य है और यदि प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार से अपने आप को केंद्रित करके आगे बढ़ता जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं उसे ही हम एक बहुत ही संस्कृति युक्त कुलीन समाज कह देते हैं क्योंकि वहां सबके केंद्र में जैसे जो हमने द्वापर का वर्णन

वो सब कुछ स्वीकार है जो हमें भगवान के समीप लाती है चाहे फिर वो कष्ट ही क्यों ना हो चाहे वो क्योंकि वो कष्ट भी बहुत ही कष्ट है जीवन शरीर के समाप्ति के साथ वो समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात श्लोक संख्या उन्नीस में इथम मुनिस्तु परमेद व्यवस्थित विज्ञान दृगवीर सुरंधिताशय तथो नीलम स्थान सुनमे जित जितक्लमः वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पाव की एरी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः प्रमुख स्थानों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब तक और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए तो ये ये जो ये जो स्थिति यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये वास्तव में ज्ञान ध्यान धारणा की जो सिद्धि है उस पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्वरूप सिद्ध आत्म तत्व व्यक्ति है वो भौतिक इच्छाओं को से अपने आप को पूरी तरीके से विलक कर चुका होता है उसके पश्चात वो शरीर के जो चक्र बताए गए हैं अलग अलग उनके बारे में यहाँ पर स्थिति बताई गई है कि प्राण वायु को इतना साध चुका होता है कि क्रमशः उसे ओर विकसित करते हुए की ओर ले जाते हुए और उसमें वो प्रयास करता है कि निश्चित रूप से वो उस उर्दु को व्यवस्थित कर सके नियंत्रित कर सके तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने जो पांच चक्रों की बात की है वो हमने जब ध्यान योग पढ़ा था श्रीमद गीता में वहां भी इसको प्रस्तुत किया गया था और उच्चतम अवस्था जो होती है वो होती है आप सिर के ऊपर पर स्थित जो चक्र है उसके द्वारा वहां से प्राणवायु को तो ये तब आता है जब अब शरीर जितना शरीर भौतिक जगत में आसक्त रहेगा उतना प्राणवायु को उर्ध्वगमन करने में कठिनाई होती है ये हम ये हम सबको स्पष्ट रहना चाहिए हम लोगों अलग-अलग पुराणों में और भी वर्णन आता है जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो गरुण पुराण इस प्रकार के जो महात्म पढ़े जाते हैं उसमें और भी परिस्थितियों का वर्णन है पर उन सबसे ऊपर भगवत गीता और भागवतम जो हमारे लिए एक तरीके से जीवन जीने की कुंजी है उसमें जो स्पष्टता बताई गई है वो ये कि जितनी हमारी विरक्ति रहेगी भौतिक जगत से उतना प्राणवायु को करने में आसानी होती है सरल शब्दों में हम इसको सिर्फ इस प्रकार से समझ सकते हैं यहाँ जो पद्धति बताई गई वो योगी के लिए कहा जा रहा है कि योग पद्धति को स्वीकृत करो प्राणवायु को नियंत्रित करने का अभ्यास करो शरीर त्याग करने के लिए जो छह चक्र है वायु उससे घूमते हुए नाभि उदर हृदय वक्षस्थल तालु भौ तथा ब्रह्म रंध्र भौ के ऊपर ब्रह्मरंद्र तो सिर पे ऊपर हमारे ब्रह्मरंध्र की बात की जा रही है तो ये योगी सिद्ध व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है ये योगियों के लिए बहुत सामान्य है पहले साम, प्राचीन काल में ये सब बहुत ही ये आध्यात्मिक पूर्णता के लिए एक तरीके से किया गया भौतिक प्रयास था पर आचार्य हमें सावधान करते हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वर्तमान समय में कलयुग का जो प्रभाव है वो इतना विचलित करने वाला है कि इस प्रकार की शारीरिक व्यायाम की कला में सामान्यतः जीव अप्रशिक्षित होता है तो जो सिद्धि योगियों को प्राण वायु इस प्रकार नाभि उदर वक्ष तालु भौरंद्र ब्रह्मरंद्र से ले जाने में मिलती है वही सरलतम तरीके से भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ने से प्राप्त हो सकती है यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम सुन सके बोल सके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके तो इसे सर्वश्रेष्ठ गति कही आचार्यों ने इसलिए आप देखेंगे कि कहीं पर भी जब शरीर छोड़ रहे होते हैं हमारे जो वैष्णव हैं में जिस प्रकार से ने मार्गदर्शन बताया तो उनके आसपास सभी भक्त जितना संभव हो उतना कीर्तन करने का प्रयास करते हैं क्यों क्योंकि श्रवण इंद्रिय से जो सबसे बाद में निष्क्रिय होती है शरीर छोड़ते समय उससे भगवान नाम चेतना में प्रवाहित हो सके तो वो स्मृति बनी रह सके तत्पश्चात श्लोक संख्या बीस में नाभ्याम स्थितिम् यद्यधिरोप्य तस्मा दुदान गत्यो रसितम् नयेन मुनि ततो नुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम् ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए तो ये जीव ये शरीर में वायु की जो गति है उसके बारे में बताया जा रहा है और ध्यान पूर्वक ढूंढ पाना जिस चक्र स्वाधिष्ठान चक्र वास्तव में कहा जा रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर जो कि समस्त शक्तियों का आगार होता है और नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र कहा गया है जब हृदय के ऊपरी स्थान की बात की जाती है खोज तो वहां पर अनाहत चक्र होता है और ये सब चक्र यहाँ पर शिल प्रभुपात तात्पर्य में उद्धृत कर रहे हैं ये बताने के लिए कि मना करने का या इसको न साधने का कहने का प्रयास इसलिए है क्योंकि ये कठिन है क्लिष्ट है पर इसका अर्थ ये नहीं है कि या, या ना ही सुखदेव गोस्वामी और ना ही शिल इसमें अप्रशिक्षित है वो ये सरल विधि नहीं है ये सर्वसुलभ तरीके से पालन कर नहीं की जा सकती है इसलिए इसको बहुत ज्यादा अभ्यास में नहीं है लोगों के इसलिए इस पर बहुत अधिक जोर नहीं देने की बात की गई है पर हर चक्र के साथ अगर आप भावार तात्पर्य देखेंगे, देखेंगे शिल्पात का तो उन्होंने हर अंग पे जो चक्र है उसका यहाँ पर नाम प्रस्तुत किया है तो उन्होंने तालु मूल पर प्राण वायु पर विशुद्धि चक्र की हृदय के ऊपरी स्थान पर अनाहत चक्र की नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र की स्वादिष्ठान चक्र जो प्राणवायु जिसे शक्ति का आगार कहा गया जो क्रम इस पूरे क्रम में व्यवस्थित रूप से स्थित है उसके बारे में शिल प्रोपात ने व्यक्त किया है पर उसके पश्चात जब ये वर्णन समाप्त होगा तो हम देखेंगे शिल प्रपात स्पष्ट रूप से कहेंगे कि इन सब से सरल क्या है हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरे नाम है केवलम तो सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं तस्मा भ्रुवोरतर मुन्न निरुद्ध सप्तायतनो नपेक्ष स्थि मुहूर्ता दृष्टि निर्भीम मूर्धन विसृजेत पर तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भावों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के सातों द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए भौतिक बंधनों को त्याग देना पहली और आखिरी शर्त है क्रमिक विकास के रूप में ये सारे द्वारों को बंद करना और प्राण वायु को उद्गमन कराना ये सब करने के पश्चात भी जब तक ब्रह्मरंध्र से प्राण वायु को निकालने की बात हो रही है तब तक क्या है भौतिक बंधन छूट चुके होने चाहिए और भक्ति का आरंभ ही होता है जहां से भौतिक बंधन छोड़ने की प्रक्रिया में लगने की बात की जाती है तो पहली शर्त जो है वो यही है कि भौतिक इच्छा से हमें मुक्त करना है अब भौतिक भोग की भी कई कोटिया तीप्ती के अनुसार भगवत गीता श्लोक शिल तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या बीस में सबसे अधिक जीवन अवधि तक इंद्रिय भोग का सर्वोच्च धरातल जो है उसका उल्लेख हुआ है तो ये सारे ब्रह्मलोक तक इन सब के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है भोग करने की लेकिन कहा क्या जा रहा है कि ये जहां भी जितना भी भोग है उससे प्रति आकृष्ट होना जितने लोगों का जितने लोक परलोक परलोक हम जाते जाएंगे भौतिक भोग का स्तर भी बढ़ता जाएगा पर अंततः उसकी समाप्ति है तो इसलिए अत्यधिक भौतिक भोग के प्रति हमें आकृष्ट जीवन में नहीं होना चाहिए ये स्मरण रखना है कई स्थान पर है भगवदगीता में बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इस बात के लिए लेकिन जो भी ये स्तर की बात की गई है हमें सरल भाषा में सिर्फ इतना समझना है कि ये ब्रह्म योगी की बनने की ये जो प्रक्रिया है ये इतनी क्लिष्ट साधने की पद्धति ये कलयुग के लिए है भी नहीं जहाँ तीस मिनट एक घंटा दो घंटा एक ही अवस्था में बैठकर किसी भी प्रकार का कार्य जाप करना हमारे लिए मुश्किल है वहां कहा जाता है कि पहले तीन घंटे तक गर्दन आ, आ, पीठ सिर एक सीध में रखते हुए दोनों भावों के बीच में ध्यान केंद्रित करते हुए समस्त प्रकार की भौतिक आसक्तियों से स्वयं को विरत करते हुए ये ध्यान धारणा करने का पहला स्तर बताया गया और शरीर छोड़ते समय छह चक्र शरीर में कहा है शरीर छोड़ते समय कौन सा अंग कहाँ है शायद इसका भी भान करना हमारे लिए मुश्किल है तो सरलतम तरीका जो है वो भगवान के प्रति अपना जीवन का समस्त कर्म जीवित रहते हुए समर्पित करते हुए उसे भगवान की सेवा समझते हुए हमें बता रहे हैं शिल प्रभुपाद हमें बता रहे हैं हमारे वैष्णव आचार्य कि हमें उसको प्रयास पूर्वक जीवन भर साधना चाहिए ताकि हमें अंतिम समय में उसकी स्मृति बनी रहे तो अब यहाँ पर श्लोक संख्या बाईस में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यदि प्रयास पारेम वह विहारम गुणसन्निवाये तथापि हे राजन यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोगों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है मैंने पहले भी आप सबको वो स्टोरी बताई थी वो कथा थी जिसमें रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं द्वारका में और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी ऐसे देख रही हैं भगवान को कि भगवान एक चीटी को देखकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं मुस्कुराते जा रहे हैं और चीटी क्या कर रही थी वो बार बार एक एक मीठे कड़ को अपने साथ लेकर वो चढ़ना चाह रही थी बर्तन पे और बार बार वो नीचे फिसल जा रही थी बार बार चढ़ रही थी और नीचे फिसल जा रही थी और भगवान मुस्कुरा रहे थे और पूछ रही थी क्यों मुस्कुरा रहे हैं और भगवान ने कहा था ये जो चीटी दिख रही है सामने ये अट्ठाइस बार इंद्र रह चुका है अट्ठाईस बार इंद्र की पदवी सुशोभित करने के बाद ये जीव यहाँ चीटी के रूप में उपस्थित है तो इससे ज्यादा प्रामाणिक बात जो गोस्वामी ने से श्लोक में कह दी ये अंतर समझने का कि योग की सर्वोत्कृष्टता या भक्ति की सर्वोत्कृष्टता इन सब का असली जो प्राप्त करने का ध्येय का मार्ग जहां से जाता है वो ये कि भौतिक आसक्ति से स्वयं को विरक्त करना है अन्यथा कोई भी गति में हम अपनी मति लगा ले हमें भगवान के चरणों की रति प्राप्त नहीं होगी क्यों क्योंकि देखिए एक बार पुनः इसको देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की जैसे सर्वोच्च लोग ब्रह्म लोक अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों लोगों में से किसी एक में भी स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी तो उसे अपना भौतिकता में ढला हुआ मन और इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना पड़ेगा तो जहां जहां जितनी योनिया जाएंगी वहां वहां वो मन जाता जाएगा तो इंद्र की पदवी हमारे ऋषियों ने आचार्यों ने भक्तों ने विशेषकर किसी पदवी को कोई महत्व तो नहीं दिया भौतिक उपलब्धि को इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो महत्वाकांक्षी नहीं है एम्बिशियस नहीं है उनकी महत्वाकांक्षा क्या है भक्त सबसे बड़े महत्वाकांक्षी है होते हैं श्री प्रोपात कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति कभी भक्त हो ही नहीं सकता भक्त पदवी अपने आप में इतनी सर्वोत्कृष्ट है कि उसके नीचे सारे पद उसके नीचे आते हैं क्यों क्योंकि जो बुद्धिमान है भगवान कहते हैं भक्ति योग में अध्याय बारह में भी कहा है अध्याय सोलह 17 में देवी और आसुरी गुणों के समय में भी कहा है कि भक्त बनने के प्रयास में जीवन के सारे सर्वोत्कृष्ट गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाते हैं कैसे क्योंकि भक्त सर्वोच्चता से नीचे कुछ सोचता ही नहीं है उसे भगवान चाहिए जो परम सृष्टि के नियंता हैं जिसे जब राधा रानी की अष्ट सखियों की सखियों के सखियों के मंडली में प्रवेश पाने की हम अपने जीवन में प्रार्थना करें तो जो सदा नित्य जगत है वो वहां रहने की यदि हमारी कामना रहेगी लालसा रहेगी तो इस भौतिक जगत की पदवी जो एक तूफान में एक अग्निकांड में एक भीषण दुर्घटना में पूरा का पूरा लोक प्रलय आ जाता है हम सबको पता ही है अभी हम हड़प्पा मोहन जोधड़ो इन सब सभ्यताओं को 5000 और सोचते हैं कि कोई बाढ़ आई होगी कोई प्रलय आया होगा कोई भुखमरी आई होगी अवशेषों पर रिसर्च पर रिसर्च पर रिसर्च किए जा रहे हैं और सनातन में सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई एक युग से दूसरे युग की संधि पर प्रलय आनी ही आनी है स्कंद बारह अगर ईश्वर की कृपा से हम लोग स्कंद बारह तक पहुंचेंगे तो स्कंद बारह में हम देखेंगे कि मार्कंडे ऋषि किस प्रकार प्रलय का दर्शन कर रहे हैं भगवान के अहेतुकी की कृपा से कैसे उन्हें जलमग्न धरती का जो विवरण है उसको पढ़कर वास्तव में इतना इतना इतना, इतना रोमांचक वर्णन है वहां पर कि वास्तव में सृष्टि के बारे में जानने योग्य कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनजाना रह जाए श्रीमद भागवतम पढ़ने के बाद तो विषय जो है समझने का भक्त सबसे बुद्धिमान है भक्त सबसे समझदार है क्योंकि वो भक्त बनने के प्रयास में अपनी सारे कार्यों को मति को अपनी इंद्रियों को सबको भगवान को समर्पित कर रहा है और वो जिस स्थान की कामना कर रहा है वो कोई इस भौतिक जगत के स्थान नहीं है वो है दासानुदास बनने का भगवान के सेवक के सेवक के सेवक बनना भी इस भौतिक जगत के किसी भी लोक की सर्वोच्च उपलब्धि भौतिक प्रसिद्धि से ऊपर का विषय है तो यही यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि इनमें से किसी की भी कामना बनी रही तो आप वो मन वो इंद्रिया अपने साथ साथ लेकर जाएंगे जो जिन अष्ट सिद्धियों की यहाँ पर बात की जा रही है अः ने उसको तात्पर्य में व्यक्त किया है सुंदर बड़ा तात्पर्य है जो पढ़ना चाहे वो पढ़, निश्चित रूप से उन्हें पढ़ना चाहिए कि अड़िमा लघिमा महिमा वशेत्व इशित्व ये सब अलग अलग सिद्धियों के नाम है प्राकम में प्राप्ति काम वस, वसाईता ये सब क्या है जैसे कि भारी होने की सिद्धि उसे हम महिमा सिद्धि कहेंगे हल्के होने की सिद्धि लघिमा सिद्धि कहेंगे छोटे होने की अड़िमा सिद्धि कहेंगे किसी को अपने वश में करने की इच्छा कभी भी विफल ना होने की शक्ति तो इन सब को अष्ट सिद्धियां जो कही गई है वो यहाँ पर इनका इनके बारे में कहा गया पर ये किस काम की है शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही होना है और किसी एक लोक से दूसरे लोक में जाने की इच्छा नारद मुनि देवर्षी हैं और उनको ये सब कुछ सहज सरल सुलभ प्राप्त है तब भी वो हर समय भगवान का जाप सुमिरन सब कर सकते हैं तो भक्त इनमें से किसी में भी नहीं बंधता है लेकिन यदि कोई बंधा रह गया तो उसे निश्चित रूप से कहा गया है कि अपना मन अपनी इंद्रिय अपने विकार और अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अनेक योनियों में जन्म लेते रहना पड़ेगा तो अंतिम श्लोक देख लेते हैं आज के लिए योगेश्वराणाम गतिमा हत बहिस्त्रोक्या पवनात्मना कर्म भीस्ताम गतिमावंती विद्या तपो योग समाधि भाजम योग का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते हैं तो यदि जैसे मैं अभी हमने देवर्षि नारद का स्मरण किया देवर्षि नारद कहीं कोई बहुत सुंदर वस्तु देखकर वही नहीं रुक जाते वो प्रत्येक वस्तु के ऊपर आउट ऑफ बॉक्स जिसे कहते हैं है, तो वो कभी नहीं है। कर्मों और, आ, से स्वर्ग लोग तक पहुंच जाता है इसमें कोई जो सकाम कर्म योगी हैं, वो जानते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या अपेक्षित है और उनको वो प्राप्त भी हो जाता है पर स्वर्ग में पहुंच कर भी वो उनकी परमानेंट वो उनकी सदा सर्वदा की गति नहीं है शुभ कर्मों का आ, हास होने पर शरण होने पर वो नीचे आता ही आता है तो किसी भी मुक्त भाव से विचरण करने की जो योग्यता है वो केवल और केवल और किसके अंदर हो सकती है वो ज्ञानियों के के अंदर ध्यानियों के अंदर ध्यानियों भक्तों के अंदर हो सकती है भौतिकतावादी में लिप्त व्यक्ति वो आसक्त में आ जाता है संसर्ग में आ जाता है और इस प्रकार वो कभी भी स्थूल की गति से स्वयं को ऊपर नहीं पहुंचा पाता है तो इस प्रकार से ये आज का सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं